नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी लिंकिंग लॉज। देखिए, आज हम करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इससे जो सिंपल रिलेशन जो है वो है टेंस से। जिसको टेंस आते हैं उसके लिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है बच्चों वाला काम है। सिर्फ टोटली जो इस एक्टिव पैसिव में एक ही रूल है, सिर्फ और सिर्फ कितना, एक रूल है। तो एक रूल अगर अपन को आ जाता है तो वो सारे के सारे हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यस, वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको फिर से, और हैप्पी न्यू ईयर जो जो नए स्टूडेंट्स आएंगे यहाँ पे। हाँ, नाम आप सब मेरा जानते ही हैं, साथ ही कोड मेरा क्या है, सूर्या 5। यानी कि जब भी आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे, देखिए 3 तारीख तक ऑफर था, 2 दिन और बढ़ा दिया है यहाँ पे। तो आपको भी, आपके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जो जो टेक्निकल एरर या फिर कोई दूसरी चीज की वजह से नहीं ले पाए थे वो अब ले सकते हैं, यानी कि 5 तारीख तक। ठीक है, बक्स बाउंटी इनिशिएटिव के बारे में अगर आपको लगे कि सर कुछ इन अप्रोप्रिएट पढ़ा रहे हैं, या फिर कुछ वॉइस में डिस्टर्बेंस है, या फिर कोई वीडियो में एरर है, तो आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। हाँ, अब बहुत ही आराम से इस चीज़ को सुनिएगा, एक ही बार सुनना है, एक ही बार सुन के उसको ख़त्म करना है, बात ख़त्म। ठीक है, वापस हमको कभी भी एक्टिव पैसिव पढ़ने की नौबत ना आए, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करें, डेट्स इट। हाँ, एमपी का कोर्स है ये। किसका है ये? एमपी का कोर्स है, आरजेएस का कोर्स है, एचजेएस का कोर्स है, जुडिशरी के जितने भी प्रीलिम्स के अंदर यहाँ पे इंग्लिश की ग्रामर आ रही है वो सब के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने का। यहाँ तक कि जो अभी दिल्ली की बात हो रही थी, पंजाब की बात हो रही है, तो इन सब में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसी के साथ अगर आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी कोई दिक्कत है, यानी कि जो मेंस के अंदर जो ट्रांसलेशन आता है, तो उसमें भी ये चीज का पूरा पूरा पार्ट है। तो सबसे पहले हाँ, एमपीसीजे की जो ई बुक मिलेगी वो तैयार हो रही है, आपको 15 तारीख से पहले पहले आपको मिल जाएगी। आप बेफिक्र रहिएगा, चिंता मत करिएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की। दूसरी चीजें सब छोड़ के हम किसकी बात करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और कहां पे लगता है? प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है एक तो इज, एम, आर, हैज, हैव। ये सारे के सारे किस में है? प्रेजेंट सिंपल में। हाँ, दूसरा यहां पे क्या है? पास्ट। पास्ट के अंदर वॉज, वर और हैड हेल्पिंग वर्ब होता है, और फ्यूचर में क्या होता है? विल और शैल होता है। ये चीज अपन को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा रिविजन करना है। ठीक है, एक स्टूडेंट का डाउट क्लियर कर देते हैं पहले, फिर देखते हैं। सर एमपी के लिए स्पेशल बैच हो रहा था ना, आज 5 जनवरी है, आज से स्टार्ट हो जाए, कल सॉरी आज तो 4th है, कल 5th है, तो कल से स्टार्ट हो जाएगा। एमपी के एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे? इंग्लिश के 10 नंबर, और ये गिफ्ट है मेरी तरफ से, 10 के 10 नंबर। ठीक है, 10 के 10 नंबर। हाँ, हरियाणा का बैच चल रहा है ना, चलिए। हाँ, अभी मैं जो बैचेस है ना उसका बीच में मैं पूरा पूरा इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा कि कौन से टाइम पे कौन सी क्लास होती है, तो आपको दिक्कत है। और जो बुक है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी, और अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको जो पर्सनली आपको भेज दूंगा, तो आप बेफिक्र रहिएगा। हाँ, कुछ सेम है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले अब नो डाउट, अब पहले आ जाते हैं इस पे सेंटेंस पे। देखो हमने कहा था कि सेंटेंस, हाँ सर आपका नाम नहीं आ रहा है, आपको लिखना है लिंकिंग लॉज इंग्लिश, और फिर ब्रैकेट में सूर्या सर लिखा हुआ आ जाएगा आपको, बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, रूल के अंदर क्या है, सबसे पहले आता है अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अपना सिंपल सा, जैसे मैंने कहा शी राइट्स अ लेटर, तो शी तो यहां पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। लिखना क्या हुआ यहां पे, राइट्स क्या है अपना वर्ब, और अ लेटर यानी कि क्या लिख रहे हैं वो क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट। अब कुछ भी नहीं करना है हमको, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये बन जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, और ये वाला जो सब्जेक्ट है ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। आधी चीज तो ये क्लियर हुई। इसके साथ में जब भी यहां पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाना जरूरी है। प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का लगा दीजिएगा, पास्ट का है तो पास्ट का लगा दीजिएगा। सबसे पहली चीज एक क्लियर कर लीजिए, एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर टेंस चेंज नहीं होगा, क्लियर। वो सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल अलग है, एक्टिव वॉइस बिल्कुल अलग है, दोनों को मिक्स तो करना ही नहीं है। यानी कि हमको ये पता चल गया है कि एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करते हैं तो टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब, फिर हमेशा और हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म, फिक्स।
यानी कि हमेशा कौन सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम लगाएंगे बाय और फिर क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट। ये एक बेसिक सा रूल है, इस पे सारे क्वेश्चन करने हैं और जुडिशरी के एग्जाम्स के अंदर इन्हीं तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं टफ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, सिंपल क्वेश्चंस भी कराऊंगा और मॉडरेट भी कराऊंगा। अपनी क्लास का एक सिंपल सा रूल है, सबसे पहले कंसेप्ट, फिर एग्जाम्पल्स, फिर एमसीक्यू और उसके बाद टेस्ट, इस तरह से अपना चलता है। ठीक है, तो देखते हैं। अ लेटर यहां पे ऑब्जेक्ट है तो यहां पे अ लेटर लिख दिया। अच्छा, अ लेटर सिंगुलर है तो उसके साथ हमने क्या लिखा, इज लिखा। उसके बाद क्या है, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट, रोट, रिटर्न, यानी कि रिटर्न होती है तो क्या लिखा हमने, रिटर्न। उसके बाद में लगाया बाय और फिर जो शी है, जब भी वर्ब के बाद में लिखते हैं तो उसको क्या बनाते हैं, हर बनाते हैं। डेट्स इट, इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से और भी मैं अभी एग्जाम्पल्स कराने वाला हूं, देखते हैं कैसे। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं आई प्ले पबजी, ठीक है, खेलता तो नहीं हूं मैं पबजी, लेकिन क्या है, ये क्या है अपना एग्जाम्पल है। तो यहां पे आई तो हो गया सब्जेक्ट, फिर ये क्या हो गया वर्ब, फिर ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसको अपन चेंज करते हैं तो क्या होगा, पबजी एक ही गेम है तो क्या लगाएंगे, इज, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, प्लेड, फिर क्या लगाएंगे, बाय, और आई क्या चेंज हो जाएगा, मी के अंदर। अच्छा, अब ये आई मी में क्यों चेंज हुआ, मी आई में क्यों चेंज होता है, ऐसा क्यों है, तो वो अपन इससे जान लेते हैं। कैसे जान लेते हैं, इससे। एक तो होता है भाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होता है वर्ब, वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट। वर्ब से पहले जो भी प्रोनाउन लगता है तो वो क्या हो जाएंगे, ये वाले, जैसे आई है, वी है, ही, शी, इट, दे, यू और वी। तो ये सारे के सारे क्या है, वर्ब से पहले। अगर इनको वर्ब के बाद लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वर्ब के बाद, तो वो क्या हो जाएंगे, पैसिव वॉइस प्रोनाउन। जैसे आई चेंज हो जाएगा मी में, वी चेंज हो जाएगा अस में, ही रहेगा हिम के अंदर, शी रहेगा हर, दे हो जाएगा देम के अंदर, इसी तरह से यू यू में ही रहता है और इट किस में रहता है, इट में ही रहता है। यहां पे तो बस बोलने की देरी थी, वहां पे जो है कमेंट बॉक्स में तो आंसर भी आ गए हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसी तरह से आपको चलना है, कोई आप मान के चले कि एक क्वेश्चन आएगा सिर्फ, एमपी के अंदर कितने क्वेश्चन आएगा, एक, राजस्थान में कितने आएंगे, दो, हरियाणा में तीन भी आ सकते हैं, दिल्ली के अंदर एक आएगा, है ना, उसके अंदर यहाँ पे चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, यानी कि ये फ्री का मार्क्स है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की। प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब यहाँ पे देखो, जब भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की बात करता हूँ, किसकी, सिंगुलर की, तो हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। हाँ नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ाया, आप सिर्फ एग्जाम्पल कर लीजिए, आगे अपना आप होता रहेगा, बेफिक्र रहिए। ठीक है, प्लूरल की बात करते हैं तो क्या लगाएंगे अपन, आर, क्योंकि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में इज, आर और एम आता है, और जब भी आई आएगा तब भी हमको क्या लगाना है, एम लगाना है, बात खत्म। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल पे देखो, यहां पे माय मदर सब्जेक्ट है, फिर यहां पे क्या है, वर्ब है, फिर यहां पे क्या है, फूड है। ठीक है, जब मैं ऊपर वाला कराऊं आप नीचे वाला आंसर लिख दिया करो तो सही रहेगा। तो सबसे पहली बात होती है फूड की, तो फूड तो अपना ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, तो फूड, फूड सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज, फूड इज कुक्ड बाय माय मदर, सिंपल सा रूल है। अच्छा, एक और इसमें क्या है, ट्रिक है, ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, कि अभी जो आपने ताजा ताजा पढ़ा है तो एकदम से याद रहेगा, वाओ इतना इजी, लेकिन यहां पे जब थोड़ी दिन बाद देखोगे तो बोलोगे यार ये क्या हुआ, कुछ ना कुछ चीजें भूल जाओगे। तो यही, इसीलिए मैं एक आइडिया बता रहा हूं, हम परसों, आज, आज तो हम टेंस के क्वेश्चन करेंगे, कल, कल हम यहां पे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के भी क्वेश्चन कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको डबल बेनिफिट होगा, यानी कि यहां पे तो कर ही रहे हैं, अनअकैडमी ऐप पे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है उस पे भी अपन कर लेंगे। हाँ, तो यहां पे तो हो गया आई राइट अ नॉवल, तो क्या हो जाएगा, अ नॉवल इज रिटन बाय मी, बिल्कुल आप सबका सही है। आई किस में चेंज हो गया, मी में हो गया, सिंपल सा सेंटेंस है। आप बोलोगे सर ये इतना सिंपल सिंपल क्यों करा रहे हो आप, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दो हमको, क्या दो, टफ क्वेश्चन, तो टफ क्वेश्चन देते हैं यहां पे। ठीक है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है,
और यहां पे लिखना है ही स्पीक्स इंग्लिश. देखते हैं इसका क्या सेंटेंस होगा. सर माय भी तो चेंज होगा ना. नहीं, माय चेंज नहीं होगा. वो मैंने इसीलिए आपको पहले ही कह दिया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भूल जाओ, है ना. उसमें सब चीजें चेंज होगी. एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कुछ चेंज नहीं होगा, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखिएगा. चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट से, पानी पीता हूं मैं. ही इज स्पीकिंग इंग्लिश और ही स्पीक्स इंग्लिश में क्या फर्क है देख लेते हैं यहाँ पे. हाँ, फूड इज कुक्ड बाय हिज मदर. नहीं, माय मदर ही होगा, है ना. ठीक, क्योंकि हाँ विकास आपका गलत है. हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज आएगा क्योंकि यहाँ पे एस या एस फॉर्म है ना, इसीलिए. परफेक्ट. इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी. यहां पे इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी बोल रहे हो, ठीक है. अभी देख लेते हैं, ये हो गया इंग्लिश इज स्पोकन. वन सेकेंड, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, ठीक है. अगर अगले का बनाता हूं तो देखते हैं. इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम. तो अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा है, दोनों का ही सेम. ही इज स्पीकिंग इंग्लिश का भी इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम और ही स्पीक्स इंग्लिश का भी सेम, है ना. तो ये तो गलत हो गया क्योंकि यहां पे तो आईएनजी फॉर्म है, यहां पे आईएनजी फॉर्म नहीं है. तो ये तो चलो सही है अपना क्योंकि अपन ने पढ़ा था. ये यहां पे क्या हो गया, गलत हो गया. अब गलत क्यों हुआ देख लेते हैं. मैंने आपको कल समझाया था जो अपन ने पहले टेंस पढ़ा हुआ है जिन्होंने, तो वहां पे लिखा हुआ था साफ साफ कि कंटिन्यूस मतलब आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म मतलब कंटिन्यूस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्टेटमेंट है. तो यहां पे तो कहीं आईएनजी फॉर्म है नहीं, तो यहां पे क्या लग जाएगा, बींग. इंग्लिश इज बींग स्पोकन बाय हिम. तो यहां पे आईएनजी फॉर्म आ गई, बात खत्म. ठीक है, इसी के साथ में सिंपल सी तरीका मैं बता देता हूं. जब भी वर्ब की एस या ईएस फॉर्म आती है, जब भी वर्ब की, हाँ कंटिन्यूस का है वो, इसीलिए बिल्कुल परफेक्ट. तो अब क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हिम. जब भी एस या ईएस फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम क्या करते हैं, इज और आर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, बात करता हूं. फिर क्या होता है, जब इज आर एम के साथ में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो वो क्या हो जाता है, इज आर एम के साथ में बींग का यूज हुआ और बींग के साथ में वर्ब की क्या लगा दी, थर्ड फॉर्म. ऊपर वाली प्रेजेंट सिंपल की, नीचे वाली प्रेजेंट कंटिन्यूस की, चेंज सिर्फ और सिर्फ एक है, आईएनजी फॉर्म है, इसलिए यहां पे क्या लगा दिया, बींग लगा दिया. ठीक है, एक थम्स अप दे दीजिए अगर ये चीज समझ आ गई है तो, फिर मैं आगे दूसरा करता हूं. ही डज नॉट ईट अ पिज्जा. फिर से ये डोमिनोज की पिज्जा की याद आ गई है मुझे, तो अब मैं वापस से ये सेंटेंस, मुंह में तो पानी आ रहा है वैसे, लेकिन फिर भी सेंटेंस बनाना पड़ेगा. तो यहां पे क्या डज नॉट है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है. ठीक है, समझ लो क्या है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है. तो अभी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है तो देख लेते हैं भाई. यहां पे ही यहां पे सब्जेक्ट हो गया, है ना. एक बार ये कहां चला जाता है, ये ही तो यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है. और ये जो अ पिज्जा है ये क्या है, ऑब्जेक्ट. और ईट यहां पे क्या है, वर्ब है. यानी कि इसको तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाना है या तो ईटन लिखना है. ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, ये भी समझ में. तो ये जो डज नॉट है ये थोड़ा परेशान कर रहा है. तो जब डज नॉट परेशान करता है तो उसको लिखना ही नहीं है अपन को. ठीक है, क्या करते हैं देखते हैं. अ पिज्जा, ये तो चलो हमको पता पड़ गया कि प्रेजेंट का स्टेटमेंट है क्योंकि डज आ गया. डज सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस में आता है, वो होता है प्रेजेंट सिंपल. जिसने टेंस नहीं पढ़ा है वो स्ट्रिक्टली कह रहा हूं मैं, कल की ही क्लास में एक ही दिन में सारे टेंस करा दिए, तो आप आराम से उसको पढ़ना ताकि बेसिक बहुत क्लियर हो जाए, नहीं तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ में नहीं आएगा. मैं तो अभी भी कहता हूं कि अगर आपको टेंस नहीं क्लियर है तो इसको एग्जिट हो जाओ इस क्लास से, ताकि क्या होगा कि बेस होने के बाद में ये मजबूत होगा और एकदम पावरफुल हो जाएगा आपका. ठीक है, तो अब पिज्जा तो एक ही है तो क्या हो जाएगा, इज, है ना. यहां पे नॉट है तो क्या लगाएंगे, नॉट. ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन. फिर क्या हो जाएगा, बाय हिम. दैट्स इट, सिंपल, है ना. अ पिज्जा इज नॉट ईटन बाय हिम. परफेक्ट, सारे स्टूडेंट्स ने भी एकदम परफेक्ट बनाया, बहुत ही अच्छा, शानदार. चलिए, तो ये तो था अपना प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. आगे बढ़ते हैं.
है ना। ये देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के दो स्टेटमेंट और आ गए, यानी कि आगे से पहले ही मैंने ये चीज करा दी, तो फटाफट से ये कर देते, माई मदर इज कुकिंग फूड। सेम सेंटेंस इसने लिया था ताकि क्या है कि आपको समझ में आ जाए, तो कुछ भी नहीं है। फूड इज बींग कुक्ड बाय माई मदर। अच्छा अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखो जोश जोश के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन होता है उसमें क्या है, बींग नहीं होता, टिक कर देते हैं फिर से। हाँ वापस से समझा देंगे ना, कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 बार बोलोगे तो भी 10 बार समझाऊंगा, चिंता मत करना, है ना बस। हाँ फूड इज बींग कुक्ड बाय माई मदर, तो ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बींग नहीं देखते और टिक कर देते, तो गलत हो जाता है। चलो अब वापस से यहाँ पे देख लेते हैं, आई हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, अ नॉवल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या होता है कि जब एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट आ जाता है पहले, तो ऑब्जेक्ट तो पहले आ गया तो क्या हो जाएगा, अ नॉवल, ठीक है। अ नॉवल तो सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, अ नॉवल इज। रिटन है, राइटिंग है, राइटिंग की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और ये आईएनजी फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, बींग रिटन। और किसके द्वारा लिखी जा रही है, मेरे द्वारा, तो क्या हो जाएगा, बाय मी, बात खत्म, है ना। तो ये हो जाएगा, हाँ देखो रोट नहीं लिखना है, रिटन होती है, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन होती है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। देख लेते हैं यहाँ पे, अ नॉवल इज बींग रिटन बाय मी, परफेक्ट, सबका सेंटेंस। थोड़ा टाइप करने में दिक्कत होती है लेकिन कोई बात नहीं, है ना, चलेगा। हाँ अब आ जाते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल से मैं एक और चीज पहले बताऊंगा कुछ, मैं क्या है थोड़ा सा बार बार बताता हूं मैं, है ना, बार बार बताने से ये थोड़ी आदत खराब है मेरी, तो इस पे थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोलूं किसी एक स्टूडेंट का ही नाम ले लेते हैं, किसका नाम ले यहाँ पे, विकास का नाम लेते हैं, ठीक है, आईएनजी के लिए बींग माइंड, हाँ विकास का लिखते हैं, विकास इज प्लेइंग विथ 20 horses। ओहो हो, इसका खुद का जो है ना फार्म हाउस होगा, हाँ नहीं रोड सेकंड फॉर्म नहीं होती है ये, क्या है रोड सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। हाँ तो विकास इज प्लेइंग विथ 20 horses, 20 घोड़ों के साथ खेल रहा था ये, बोलो है ना, लोग तो पबजी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, ये तो 20-20 घोड़ों के साथ खेल रहा था। तो देखते हैं यहाँ पे भाई, 20 horses, ठीक है 20 horses ज्यादा है ना, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ इस तो आ नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर प्लेइंग का क्या हो जाएगा, बींग प्लेड, क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म था तो क्या लगा देंगे, बींग प्लेड। फिर क्या है, विथ है ना, तो विथ जब आता है तो बाय नहीं लगाते, बात खत्म, तो क्या लगाएंगे, विथ विकास, डेट्स इट, सिंपल एंड स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। यानी कि विकास इज प्लेइंग विथ 20 horses का क्या हो जाएगा, 20 horses आर बींग प्लेड विथ विकास। अच्छा बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि सर ये तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक्टिव का जब अपन पैसे बोलते हैं ना तो वो वैसे ही अटपटा होता है, ठीक है। एक और अगर मैं लोकल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो एक्टिव वॉइस का मतलब होता है सीधे सीधे बात करना, और पैसिव वॉइस का मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना, बस ठीक है, कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, यहां पे इंग्लिश में एक बात नहीं है, कान इधर से पकड़ेंगे तो एक्टिव वॉइस, घुमा के पकड़ेंगे तो पैसिव वॉइस, सिर्फ यहां पे बाय नहीं आएगा, बाय की जगह क्या आएगा, विद आएगा, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं पास्ट सिंपल में। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जब भी कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, नॉर्मली जो है पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है, तो उसको हम चेंज करते हैं वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वॉज वर्ब के साथ में क्या लगाएंगे, हाँ विथ क्यों आया, विथ इसीलिए आया कि जब भी एक्टिव वॉइस में विथ आता है तो हमेशा पैसिव वॉइस में क्या रहेगा, विथ ही रहेगा, बस ये थोड़ा सा रूल है ये, ठीक है। चलो फटाफट बनाइए इसका सेंटेंस। हाँ ठीक है, द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट्स, ठीक है भाई, तो ये क्या है, द टीचर हो गया, कॉल्ड से पता चला हमको कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, और फिर द स्टूडेंट्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको कैसे चेंज करते हैं, देखो द स्टूडेंट्स, अब देखो ये जो स्टूडेंट्स है ये तो है प्लूरल, हाँ बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, तो प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, वर लगा देंगे, बात खत्म हुई। वर के साथ में कॉल्ड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है,
क्वालिटी होती है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट है कि सर सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम क्यों होती है, हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉल्ड बाय द टीचर, दैट्स इट, द स्टूडेंट्स वर कॉल्ड बाय द टीचर, दैट्स इट। ठीक है, आगे देखते हैं। शी डिड नॉट बाय द फ्रूट्स, अभी मैंने डज नॉट का कराया था, सिर्फ और सिर्फ डू और डज तो आते हैं प्रेजेंट सिंपल में, और डिड कहां पर आता है, पास्ट सिंपल में। हाँ, एक बार देख लेते हैं सारे स्टूडेंट्स ने क्या लिखा है। अदिति ये स्टूडेंट नहीं है, एक्चुअल में द स्टूडेंट्स है ना, मैंने जानबूझ के दिया है यहां पे ताकि स्टूडेंट्स गलती करें। बिल्कुल परफेक्ट है आप सबका सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, शी डिड नॉट बाय द फ्रूट्स, तो क्या हो जाएगा, द फ्रूट्स वर नॉट। ठीक है, डिड तो लगाते नहीं है, क्या लगाना है, वर नॉट। बाय की सेकेंड फॉर्म होती है बॉट, ठीक है, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म होती है ब्रॉट, बाय की सेकेंड फॉर्म होती है बॉट। हाँ, वॉज सिंगुलर के साथ लगाना, बिल्कुल आपका सेंटेंस सही था, बिल्कुल अगर स्टूडेंट होता तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही था, लेकिन प्लूरल होगा तो क्या लगाएंगे, स्टूडेंट्स के साथ में वर आता है। फ्रूट्स वर नॉट बॉट बाय हर, ब्रॉट नहीं, बॉट, ब्रॉट तो देखो ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म होती है ब्रॉट और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है ब्रॉट, लेकिन जब बाय है तो बाय की सेकंड फॉर्म क्या होगी, पॉट, बाय हर। ये बहुत कंफ्यूजन था, मैं भी जब सेवेंथ एट टेंथ क्लास में था ना, तो यार मैं बोलता था यार कहीं तो ये बॉट आ जाता है, कहीं ये ब्रॉट आ जाता है, ये आर बी है ना, ब्रॉट और बॉट में फर्क क्या होता है। फिर जाके बाद में पता पड़ा यार ये तो बाय का मतलब होता है खरीदना, तो बॉट का मतलब होता है खरीदा था, ब्रॉट का मतलब होता है लाना, तो ब्रॉट का मतलब क्या होता है, लाया था। तो ये थोड़ी सी बहुत दिक्कत थी, तो अब ये हो गई दिक्कत सही, तो अब आप सबकी भी क्या है, बिल्कुल परफेक्ट। जब अगर पास्ट सिंपल की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे हम, पास्ट कंटिन्यूस की भी करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, वॉज और वर के साथ कौन सी फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट्स इट। ठीक है, वॉज वर प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लेते हैं। ही वॉज सिंगिंग इन द रेस्टोरेंट, परफेक्ट एग्जाम्पल। आप बताओ इसका सेंटेंस कौन बना सकता है, चलो इस पहले तो मैं इसका बना देता हूं जब तक आप ऊपर वाले का बनाओ। दे वर डूइंग वर्क, तो यहां पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा वर्क। ठीक है, वर्क तो क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो क्या हो जाएगा वर्क वॉज बींग डन बाय देम, क्लियर सिंपल सा है ना। द रेस्ट्रो वॉज बींग संग बाय हिम, क्या बात है ना। ठीक है, और कोई, ही वॉज सिंगिंग इन द रेस्ट्रो, देखते कौन सही बनाता है सेंटेंस। हाँ ये तो सबको पता है, ये आ जाएगा, ये बताओ। देखो अब मैं बताता हूं आपको, है ना, ये ही तो है अपना सब्जेक्ट, ये अपना हेल्पिंग वर्ब, ये अपना मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो नहीं बनता। ठीक है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसलिए नहीं बनता है, लेकिन अगर यहां पे होता ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग इन द रेस्ट्रो, है ना, अगर ये होता वो उसका बन ही नहीं सकता है। अरे वाह, आरडीएक्स बीएस बघेल ने एकदम सही सेंटेंस कहा है कि नो पैसिव बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये तो आपने दिल जीत लिया आपने ये कह के, तो है ना, गुड एक्सीलेंट, नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव, परफेक्ट। ठीक है, तो इसका अगर मैं बोलूं ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग इन द रेस्टोरेंट, तो यहां पे ये पीछे की साइड है ना, तो इसको पीछे की साइड ही रखो, बात ही खत्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग वॉज बींग संग बाय हिम इन द रेस्टोरेंट। ठीक है, हाँ तो ये ध्यान रखना, ऐसे अपने जो है ना इननेसेसरी, मैं क्या ये बीच बीच में ये टैक्टिक अपनाता रहता हूँ, यानी बीच बीच में आपको स्टूडेंट्स को थोड़ा थोड़ा परेशान करता रहता हूँ कि गलत बनाए, और फिर मैं क्या है उनको क्या कहते हैं बताऊँ कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी ऐसा सो होगा, जब ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट होगा तभी होता है। हाँ रॉन्ग हो गया, बिल्कुल सर, सॉन्ग होता तो बन जाता, देखो सॉन्ग लगा दिया, सॉन्ग के साथ में क्या है एकदम सेंटेंस बन गया है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस, अब ये सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली नहीं आते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, है ना।
हाँ कपिल एकदम सही लिखा है आपने, बहुत दिनों बाद आप 2 दिन 3 से आ रहे हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ही हैज क्रिएटेड द मास्टरपीस, यानी कि उसने क्या है मास्टरपीस क्रिएट कर चुका है। तो जब भी हैज या हैव होता है ना, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो कुछ भी नहीं करना, हैज बीन और हैव बीन लगाना, डेट्स इट। तो देख लेते हैं द मास्टरपीस। अच्छा अब मैंने द क्यों लगाया साथ में? अच्छा अदिति आप सुनिए, जब ऑब्जेक्ट आएगा ना, ऑब्जेक्ट यानी कि आपने स्टार्टिंग से शायद क्लास नहीं देखी है, तो आप स्टार्टिंग से देखिएगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, है ना। द मास्टरपीस हैज बीन क्रिएटेड बाय हिम। सिंपल सा सेंटेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो चीज समझ नहीं आई है ना उसको छोड़ो, क्या करो उसको 1 सेकंड के लिए बंद करो, आगे वाली चीज नहीं तो खराब हो जाएगी, इसलिए क्या उसको इग्नोर करके यहां पे आ जाओ। हाँ बिल्कुल सोमू, एकदम आपने सही लिखा है, द मास्टरपीस हैज बीन क्रिएटेड बाय हिम। तो इसमें क्या है, जो क्रिएटेड है ये कि ये फॉर्म लगानी है, बस हैज की जगह हैज बीन लगाना है, बस और कुछ भी नहीं। आई हैव नॉट रेड द न्यूज़पेपर, यानी कि मैंने वो न्यूज़पेपर रेड नहीं किया है। तो देख लेते हैं भाई, द न्यूज़पेपर हैज, यहां पे हैव था लेकिन क्या है न्यूज़पेपर के साथ में क्या लगाएंगे, हैज, क्योंकि सिंगुलर है। द न्यूज़पेपर हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन रेड बाय मी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द न्यूज़पेपर हैज नॉट बीन रेड बाय मी, इस तरह से होगा। हाँ न्यूज़पेपर के साथ में हैव नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको कराया था कि सिंगुलर जब होता है तो क्या लगाएंगे, हैज, प्लूरल जब होता है तो क्या लगाएंगे, हैव। सिंगुलर जब होता है तो लगाएंगे इज, प्लूरल जब होता है तो लगाएंगे आर, इसके साथ वॉज, इसके साथ वर, जैसे जैसे सेंटेंस होगा उस हिसाब से करना है। बिल्कुल आकांक्षा सोमू आप सबका बिल्कुल सही है, द न्यूज़पेपर हैज नॉट रीड बाय, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। पास्ट परफेक्ट टेंस कुछ भी नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट है। इंडिया हैड वन द मैच, हैड लग गया, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो उससे भी सिंपल है। तो क्या हो जाएगा, द मैच हैड है तो क्या हो जाएगा, हैड बीन, बस दैट्स इट। द मैच हैड बीन वन बाय इंडिया, तो यहां पे हेड था तो हेड का हेड बीन लगा दिया, इसमें कोई इस तरीके की सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। हाँ बिल्कुल अब सबका सही हो रहा है, ठीक है। मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि जब हम कल क्वेश्चंस करेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के खूब सारे, तो आपकी बहुत सारी चीजें जो है सॉल्व हो जाएगी। हाँ द मैच हैड बीन वन बाय इंडिया, बिल्कुल परफेक्ट है, वेरी गुड। हाँ ये ऐसे मजा आता है क्लास के अंदर, सच बात तो यही है। ही हैड मिस्ड द लास्ट मेट्रो, तो ये जो द लास्ट मेट्रो है ये पूरा ऑब्जेक्ट है। किसने कहा कि जो है एक ही ऑब्जेक्ट होता है, तीन वर्ड भी तो हो सकते हैं ना ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, है ना, द लास्ट मेट्रो, द लास्ट मेट्रो हैड बीन, हैड बीन मिस्ड बाय हिम। हाँ द लास्ट मेट्रो हैड बीन मिस्ड बाय हिम, ठीक है। एक और सेंटेंस जो है अलग तरह का जो कराता हूं मैं, उसमें थोड़ा सा आपके काम आएगा, देख लेता हूं मैं यहां पे। हाँ अ नॉवल हैज बीन रिटन बाय मी, बहुत ही जल्दी जो है नॉवल लिखने वाला हूं मैं, तो उसका थोड़ा सा मैं बता रहा हूं आपको। नॉवल भी बहुत ही शानदार लिखूंगा, आप सबके पास भेजूंगा मैं, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अ नॉवल हैज बीन रिटन बाय मी, तो इसका सेंटेंस बनाना है हमको। अब यहां पे दिक्कत ये है कि ये कहीं से एक्टिव तो लग नहीं रहा है ना, क्योंकि ये है पैसिव वॉइस, तो जरूरी थोड़ी ना है कि एक्टिव वॉइस का ही पैसिव वॉइस बनाना पड़े, पैसिव वॉइस का भी तो एक्टिव बना सकते हैं। तो यहां पे ये तो है अपना पैसिव वॉइस, पहले देख लेते दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। ये है अपना पैसिव वॉइस, इसका हमको क्या करना है, एक्टिव बनाना है। तो पैसिव वॉइस से तो एक्टिव और भी ज्यादा सिंपल है बनाना, कैसे देख लो, जो भी बाय के बाद हो वो सब्जेक्ट लगाना है, तो लगा दो फटाफट से, बनाओ इसका सेंटेंस जल्दी से।
आई हैव रिटन अ नॉवल। जैनी तो होशियार हो गई यहाँ पे, है ना, बहुत ही शानदार तरीके से बताया आपने। तो क्या हो जाएगा, आई हैव रिटन अ नॉवल। क्या बात है, आप तो थोड़े दिन में ज्ञाता बन जाओगे यहाँ पे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, तो ऐसा सिंपल सिंपल सेंटेंस आते हैं, तो ये आपके फ्री के नंबर है ना। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे क्वेश्चन करते हैं, राइट है। चलिए, हाँ ये मुझे लगता है आज एक ही साथ निपटा दूंगा मैं तो। पूरे फ्यूचर टेंस जो है ना, देखो फ्यूचर टेंस आ गया है यहाँ पे, है ना। देखो भाई ये और भी सिंपल, जब भी आप देखो विल, तो विल के साथ में हमेशा और हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम देखेंगे शैल, तो शैल के साथ भी हमेशा और हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिक्स होती है। जब इन दोनों का पैसिव में बदलते हैं, एक्टिव से क्या बदलते हैं, पैसिव में बदलते हैं, तो क्या लगाएगा, विल बी शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस का मतलब तो वर्ब की थर्ड फॉर्म फिक्स है, तो विल और शैल के साथ में क्या लगाना है, अपन को बी लगाना है, और उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। डेट्स इट। देखो आई विल डू द वर्क टुमारो, ये जो टुमारो है परेशान कर रहा है ना, इसको पीछे ही रखो। क्या रखो, पीछे ही रखो। वापस देखते हैं तो क्या हो जाएगा, द वर्क विल आ गया यहां पे। टेंस तो चेंज करना नहीं, विल का वुड मत कर देना कोई, ठीक है। विल के साथ में क्या लगाएंगे, विल बी। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन बाय मी टुमारो। दैट्स इट। अटपटा लग रहा है बिल्कुल, ना 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 ना, टुमारो तो लास्ट में, जो चीज है वो सब क्या है, लास्ट में। हाँ द वर्क विल बी डन टुमारो नहीं, टुमारो सब क्या लगाना है, लास्ट में। हाँ अब यहां पे वर्क भी नहीं लिखना है, सिर्फ द वर्क लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरा पूरा जो है ना, ये पूरा पूरा यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसीलिए, है ना। मतलब कि कोई गलती करनी नहीं है, गलती करने का मौका ही नहीं देना, तो आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे। इसी तरह से जो है ना, एकदम ऐसे भी कराता हूं मैं, यानी कि ऐसे के अंदर जितने भी मिर्च मसाला जो भी चीजें चाहिए ना, वो सारे के सारे उसमें डाल दो। एग्जामिनर बोलेगा मार्क्स कहाँ काटू यार, आप ले जाओ सारे मार्क्स। हाँ देखो अब अदिति का भी एकदम परफेक्ट हो गया सेंटेंस, वेरी गुड, यही तो मुझे चाहिए यहाँ पे, ठीक है। हाँ मुझे सीरियसली अभी जो है ना, ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप सब लोग मेरे सामने ही बैठे हो, है ना, और मैं सामने खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो दे शैल ईट फूड इन द रेस्टोरेंट। अच्छा इसको एक तो देखो भाई, रेस्टोरेंट बोलते नहीं है, ज़्यादा इंग्लिश आ जाती है तो वो बोल अलग अलग तरह से बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रेस्ट। हाँ अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं यूएस की, तो यूएस में तो इसको बोलते हैं रेस्तरान, क्या बुलाते हैं, रेस्तरान। और यूके के अंदर यहाँ इसको बुलाते हैं रेस्ट्रॉन, ठीक है, रेस्ट्रॉन। हाँ फूड विल बी ईटन बाय देम इन द रेस्ट्रॉन। हाँ ठीक है, दुर्गेश जो है विल को शैल कर दो, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, शैल लिखा हुआ है ना, इसीलिए। तो क्या हो जाएगा, फूड शैल बी ईटन बाय देम इन द रेस्टोरेंट, ठीक है। अब क्या है, बहुत कंफ्यूजन होता है भाई, शैल और विल का बहुत कंफ्यूजन होता है, तो उसके लिए आपके पास एकदम परफेक्ट तरीका यह है कि ऑप्शन में जो लिखा हुआ है वो, ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे साथ में, एक ही आएगा, तो क्या है, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या होता है कि जब ऐसे लिखा हुआ होता है बाय नेक्स्ट वीक, या फिर आगे वाली कोई चीज़ों तक मैं काम कर चुका होऊंगा, तो क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट है। इसमें कुछ भी नहीं है, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आगे बढ़ के क्या हो जाती है, विल हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा इसकी जो अभी मैं पीडीएफ दूंगा ना, तो पीडीएफ आपको देख रखनी है आपके पास में, जब भी एग्जाम होगा उससे पहले आपको ध्यान रखना है। दूसरी फालतू मैं आपको बता रहा हूँ, कोई सेंस नहीं है इंग्लिश की वापस क्लास लेने में, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ आपको, आपको एक बार डन हो गया, बात खत्म। एमसीक्यू, नंबर ऑफ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लेते हैं, आई विल हैव ज्वाइंड द क्लास बाय नेक्स्ट वीक, तो क्या हो जाएगा, द क्लास विल हैव बीन ज्वाइंड बाय मी बाय नेक्स्ट वीक। अब सबको डाउट होता है कि सर ये बाय बाय दो बार आ रहा है, तो कोई बात नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई तरह की दिक्कत नहीं है। हाँ बाय नेक्स्ट वीक दो बार आता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बेफिक्र रहो। शी विल हैव वॉच द न्यू मूवी, तो क्या हो जाएगा, द न्यू मूवी
विल हैव बीन वॉस्ड बाय हर। ठीक है, तो ये हो गई क्लियर आपकी बात। ठीक है, ये थे फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट। अच्छा, अब ये देखो क्रॉस लगा हुआ है यहां पे, है ना। तो क्रॉस लगा हुआ है तो ये क्या है इसका सीन, इसका ये मतलब है कि इसके पैसिव वॉइस तो बनते हैं नहीं, बट अपन तो फिर भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फिर भी अपन बनाएंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे? आई हैव बीन टीचिंग लिखा हुआ है इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश हैव बीन बींग टॉट बाय मी। ठीक है, नो चेंज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इन चारों के जो है पैसिव वॉइस बनते ही नहीं है। नो चेंज नहीं, अपन को आएंगे भी नहीं क्वेश्चन, आते भी नहीं है, वो बना भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए क्या है, इन चारों के पैसिव वॉइस बनते नहीं, तो आधी दिक्कत तो यहीं पे खत्म हो गई। टोटल 12 टेंस थे, 12 के अंदर से ये चार निकल गए, 8 याद करने। अच्छा, 8 तो ये आता है, अब 8 से मैं और कम कर देता हूं, है ना, 8 से और कम कर देता हूं। एक आएगा भाई प्रेजेंट कंटिन्यूस का, एक आएगा यहां पे प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल में एक तो पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला आने के ज्यादा चांसेस है। फिर यहां पे आएगा एक पास्ट सिंपल का, बस। अच्छा, फ्यूचर तो भूल ही गया मैं, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट का, ये चार याद रखने, है ना। देखो यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल में पॉजिटिव नेगेटिव, पास्ट सिंपल में पॉजिटिव नेगेटिव और फ्यूचर परफेक्ट, इन चारों में से क्वेश्चन बनता है, बात खत्म। ठीक है, तो क्लियर हो गई ये तो बात। हाँ, ये इतना सा पढ़ना है, यानी कि 8 में से मैंने 4 और हटा दिए, सिर्फ 4 सेंटेंस पढ़ने, 4 में से आपके जुडिशरी में आ जाएंगे। चलिए ठीक है। हाँ अच्छा, ये देखो, ये जो अभी मैं आपने पूछा था, खूब सारे लोगों को डाउट है, जो तो डाउट क्लियर कर देते हैं। ये हूं मैं, बहुत अच्छे से देखो, सेम टू सेम लग रहे हैं हम दोनों जने। तो हम यहाँ पे जो जितने भी बेस्ट एडुकेटर्स हैं यहाँ पे अन अकेडमी पे, मेरे को छोड़ के, है ना, मैं तो छोटा हूँ अभी, तो यहाँ पे रैपिड रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? रैपिड रिवीजन बैच। तो इसमें क्या है, MP, महाराष्ट्र एंड ओडिशा, तो इन तीनों की रैपिड रिवीजन की तैयारी कराई जाएगी। इसमें इंग्लिश तो ऑब्वियसली मैं लूँगा, बाकी आप सब जो नामी चेहरे हैं यहाँ पे, बेस्ट फैकल्टीज है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कब स्टार्ट हो रहा है आपका? 5th of January 2022, यानी कि कल से। तो कल ये स्टार्ट हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि अभी रिसेंटली 3 तारीख तक ऑफर था, 2 दिन और बढ़ा दिए हैं, तो 2 दिन और बढ़ा दिए, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है, इसको चूकना मत, और 2 दिन में आप क्या करिएगा, ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ये जुडिशरी जो मेन्स का बैच चल रहा था, तो यहाँ पे 8 o'clock, यानी कि 8 o'clock इन द मॉर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस समय मैं क्या कराता हूँ आपको, ऐसे राइटिंग कराता हूँ। फिर यहाँ पे जब 7:15 रात की बात है, तो यहाँ पे मेरा क्या कराते हैं, ग्रामर कराते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, ये दोनों क्या है, प्लस की। हाँ ठीक है, तो ये ऐसे राइटिंग की है, ये क्या है, ग्रामर राइटिंग की है। तो ये क्लासेज है, ये भी अभी थोड़े दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है, तो एक एक चीज क्या कराते हैं। हाँ आगे देखते हैं। फिर यहां पे है प्लस क्लासेस, रैपिड रिवीजन बैच के चार्जेस अभी मैं आपको बता देता हूं वो भी। हाँ ये बता देता हूं मैं कि जब भी अपन कोई लेंगे चार्ज, तो ये क्या है, प्लस क्लासेस लेना बहुत ही बेटर रहता है। और कोई अगर पैसे वाली पार्टी है तो वो यहां पे क्या ले सकता है, आइकॉनिक भी ले सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से प्लस में अगर आप 6 मंथ्स का लेते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा ऑफर है। और अभी जो है, जैसे ही आप सूर्या 5 कोड लगाते हैं या फिर लिंकिंग 10 कोड लगाते हैं, तो आपको 22% का क्या मिलेगा, ऑफ मिल जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये आपको फिक्स बता देता हूं मैं कि 5 तारीख के बाद में कोई तरह का ऑफर इस महीने नहीं आने वाला है। ठीक है, हाँ रैपिड रिवीजन का चार्ज बता देता हूं। ठीक है, तो इसमें क्या है, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलता है। ठीक है, साथ ही देखो रैपिड रिवीजन का एक तो इंस्टॉलमेंट में भी है यहां पे अवेलेबल। सिर्फ प्लस की ध्यान रखनी, आइकॉनिक पे अभी ज्यादा नहीं ध्यान रहना अपन को। इसमें आप क्या लेंगे, 6 मंथ का या तो फुल पेमेंट करके ले सकते हैं, है ना। सिर्फ आपको अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है। जैसे ही आपने सब्सक्रिप्शन लिया, जितने भी कोर्सेज अन अकेडमी पे है वो आपके लिए जुडिशरी के, वो सारे के सारे आपके जो है अवेलेबल हो जाएंगे,
है ना, सबका एक्सेस मिलेगा, यहां तक कि जो पास्ट की क्लासेस है उसके भी आप बता देंगे। हाँ ठीक है। हाँ फिर यहां पे देखिए इसमें क्या है, 24 मंथ्स की ईएमआई भी, अगर आप ईयरली बैच लेते हैं तो 24 मंथ्स की ईएमआई भी है, लेकिन आप क्या करिएगा, 6 मंथ्स की बेटर रहती है। कोड आपको पता ही है, सूर्या 5 है, इसमें क्या है 22% का ऑफ मिल जाएगा, तो ये आपके लिए था। ना ना क्लास कोई खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत बाकी है। ठीक है, अभी यहाँ पे खूब सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, क्वेश्चंस भी तो करते हैं ना, कंसेप्ट एग्जाम्पल फिर क्वेश्चन। ठीक है चल आ जाओ भाई, क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन यहाँ पे। तो जब यहाँ पे बात करते हैं, वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज, तो अब आपको क्या है, ऑप्शंस बताने हैं। ऑप्शंस ये आपके सामने है, देखो ऑलरेडी द एक्सरसाइज हैज बीन डन बाय अस। अब आप आंसर बताते जाए, मैं यहां पे देखता जाता हूं। ठीक है देखो, वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज, यानी कि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो जब भी हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो कौन सा टेंस हो जाता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है देखते हैं। हाँ शायद आज अपडेट हो चुकी है शायद क्लासेस, तो आज है। ठीक है तो ध्यान रखिएगा आप, है ना। चलो फटाफट से इसका आंसर दो, फटाफट से, बी आंसर आ भी चुका है यहां पे, तो ठीक है डिलीट भी हो चुका है, देख लेते हैं भाई। हाँ तो द एक्सरसाइज पहले लिखना है, कहाँ कहाँ कहाँ, ये रहा, तो द एक्सरसाइज इसमें है, इसमें है, इसमें है। ठीक है तो ये तो गलत हो गया, तो इसको काट देते हैं। द एक्सरसाइज के बाद हैव है, तो हैव के साथ में इज नहीं आएगा, ये भी कट हो गया। हेड तो हो ही नहीं सकता, टेंस चेंज होगा नहीं, आंसर क्या हो गया, डी। मैंने आगे तक अभी देखा नहीं है, आंसर फिर भी क्या है, निकाल दिया। इसी तरह से आपको एग्जाम में आंसर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज, द एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी बीन डन बाय अस, बात खत्म, वी का अस बन गया, डेट्स इट, सबका सही है। आगे देखते हैं, द बॉयज इलेक्टेड मोहन कैप्टन। ठीक है भाई, तो यहां पे क्या है, द बॉयज हमारा सब्जेक्ट है, इलेक्टेड हमारा वर्ब है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि वॉज लगेगा, क्या लगेगा, वॉज लगेगा, और मोहन फिर क्या है, कैप्टन। अच्छा द बॉयज तो नहीं हो सकता, चेंज हो जाएगा, इज तो पॉसिबल नहीं है, हट गया यहाँ पे, मोहन वॉज इलेक्टेड, ये हो गया आंसर। ठीक है और ये मोहन एंड द बॉयज इलेक्टेड, ये हो गया गलत। तो ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर कोई भी आप प्लस लेंगे तो उसमें लिंकिंग लॉज की क्लास तो आएगी ही आएगी, हमारा बैच तो अलग से है ही, साथ ही दूसरे बैच भी आपके लिए फ्री है, यानी कि फ्री मतलब एक्सेस मिलेगा, जितने भी आप कोर्सेज चाहे देख सकते हैं। लेकिन मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने, उसका मैं स्केड्यूल आपको बना दूंगा, यानी कि आप टेलीग्राम पे अगर मेरे को रिप्लाई करते हैं तो मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ उससे रिलेटेड। ठीक है तो इसका आंसर तो सी हो गया। आगे देखते हैं, द पायलट लैंडेड द प्लेन सेफली। द पायलट यहाँ पे सब्जेक्ट है, लैंडेड यहाँ पे क्या हो गया वर्ब, और द प्लेन क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और सेफली तो ऐसा कैसा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे द प्लेन के साथ में यहाँ पे क्या लगाना है, वॉज लगाएंगे, क्योंकि सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म किस में चेंज होता है, वॉज या वर्ब में, सिंगुलर है तो वॉज होगा, तो ये हेड तो हो नहीं सकता, ये पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है, यानी कि बी और डी में से है, देख लेते। द प्लेन वॉज लैंडेड सेफली बाय द पायलट, और द प्लेन वॉज टू बी लैंडेड सेफली, तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा आंसर क्या हो गया, बी, बिल्कुल परफेक्ट, आप सब सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर क्या हो गया इसका, बी हो गया। ठीक है आगे देखते हैं, द मनी वॉज स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक। वापस से ध्यान रखना, यहां पे बाय लिख गया है, तो बाय यहां पे लिख दिया है तो इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस का हमको क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस बनाना है, क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस। तो देखते हैं भाई, द मनी वॉज स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक। हाँ आपकी फर्स्ट क्लास है तो आपको बहुत बहुत जो है क्या कहते हैं यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर आपको, है ना, सबसे पहली चीज तो। हाँ चलो यहां पे आगे देखो, पहले द मनी वॉज स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक, इसका क्या होगा, एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक अपना सब्जेक्ट बन जाए, कहां कहां पे है भाई, तीनों में है, ये नहीं है, गलत हो गया डी तो। ठीक है इसके बाद में क्या है, वॉज है, तो वॉज हट जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, क्या होती है, स्टोल होती है, स्टोल कहां लिखा हुआ, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, स्टोल, स्टोल है ना। हाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, स्टील नहीं लगानी है, क्या लगानी है, स्टोल लगानी है, देखो
ध्यान रखिएगा यहां पे, ठीक है। द मनी वॉज स्टोलन है, पास्ट का सेंटेंस है तो इसको प्रेजेंट में नहीं बदलना है, तो बी गलत है, सी सही है इसका। स्टील ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी पास्ट में नहीं आती है, सी होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये ए और बी गलत हो गया, सी सही हो गया। आगे देखते हैं, ही कुड हैव डन दैट वर्क, कुड हैव डन, ठीक है। अब ये जो कुड हैव डन होता है ये हमेशा देखो, अभी क्या देखते हैं अपन, डैट वर्क क्या हो जाएगा, डैट वर्क, तो डैट वर्क से तो सारे स्टार्ट हो रहे हैं, कुड हैव के कुड हैव बीन बन जाएगा, तो कुड हैव बीन, तो यहां पे भी कुड हैव बीन आ रहा है, यहां पे भी कुड हैव बीन आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। हाँ आगे देखते हैं, देखो स्टील स्टोल स्टोलन, तो यहां पे ये लगाना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं, हैव बीन डन बाय हिम आएगा, तो बाय हिम तो सिर्फ यहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पे बाय हिम नहीं लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी सीधा सीधा हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, सोहन गेव द बैगर एन ओल्ड शर्ट, ठीक है देख लेते हैं। सोहन हमारा सब्जेक्ट है, गेव हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट टेंस है, क्या है, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का द बैगर के साथ में क्या लगाना है हमको, वॉज लगाना है, और एन ओल्ड टी शर्ट तो बाद का बाद में पढ़ाई है, देख लेते हैं। एन ओल्ड शर्ट तो ये नहीं हो सकता, द बैगर वॉज गिवन, द बैगर वॉज गिवन, ठीक है, तो ये तो गलत है क्योंकि गेव की सेकेंड फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म आएगी, वो होती है गिवन, तो गिवन तो ये भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे एन ओल्ड शर्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो एन ओल्ड शर्ट वॉज गिवन टू द बैगर बाय सोहन, ये हो सकता है, ठीक है, तो ये बाय द बैगर नहीं होगा, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए सीधा सीधा हो गया, ठीक है। क्योंकि गेव की थर्ड फॉर्म लगानी है अपन को गिवन, तो इसलिए यहां पे क्या है ए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको एक बार समझिए इस क्वेश्चन को, और फिर डाउट पूछिए फटाफट से, अगर कोई डाउट है तो फटाफट। बिल्कुल हाँ, अब सही आ रहा है, ए आ रहा है बिल्कुल आंसर, ठीक है बिल्कुल परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, आई नो यू, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बहुत पुराना जो है, अभी जो अपन जब छोटे थे तब ये वाला जुडिशरी में जो है क्वेश्चन आया था, आई नो यू का पैसिव वॉइस बनाना है, तो क्या हो जाएगा यू, है ना, तो क्या हो जाएगा यू, ये है प्रेजेंट, तो यू के साथ में क्या आता है आर, नो की थर्ड फॉर्म होती है नोन, यू आर नोन, क्या होगा आई का क्या हो जाएगा, हाँ माई मी, यू आर नोन बाय मी, देखो तो कहां पे यू नो मी नहीं होगा, यू आर नो बाय मी नहीं होगा, यू आर नोन बाय मी आंसर हो गया, बात खत्म, इतना सा सिंपल सा सेंटेंस था, आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, बोलो आप, ठीक है। अब ये जो टफ लेवल के क्वेश्चन है ये मैं कल की तारीख में और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है ना पार्ट टू, अभी शेड्यूल बता दूंगा मैं आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रिकी क्वेश्चन फिर से, आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट, ईटिंग है आई एन जी फॉर्म में, याद रखना है, देखो भाई सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट आएगा, ब्रेकफास्ट सबके अंदर आ रहा है, सिंगुलर है तो वॉज वाला कट गया, ठीक है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति के अंदर 50-50 में कटता है ना, वैसे सबसे पहले तो ये काट देना। तो अब अपन को ए और दो ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन में से देख लेते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, इज दोनों में आ गया, आई एन जी फॉर्म है तो बींग आ जाएगा, बात खत्म। ING फॉर्म से आपको क्या याद रखना है, बींग, बींग नहीं है तो हाथों हाथ क्या करना है, काटना है, और सारे के सारे स्टूडेंट्स ने आंसर क्या दे दिया, बिल्कुल सही, बस ठीक है, एकदम परफेक्ट है। ये M बता रहा है कि प्रेजेंट टेंस से, ध्यान रखिएगा। हाँ आगे देखते हैं, अ नॉवल विल बी रेड बाय निकिता, ठीक है भाई, नॉवल विल बी रेड बाय निकिता, तो ये क्या हो गया पैसिव है, पैसिव का क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है, तो बाय के बाद जो भी होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो देख लेते हैं भाई, हाँ विल है, तो देखो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये या ये में से एक है ना, तो निकिता विल बी रेड अ नॉवल क्या होता है, गलत, आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी, निकिता विल रीड अ नॉवल, बात खत्म, क्योंकि विल के साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। अब जब इसका पैसिव वॉइस था, पैसिव वॉइस का क्या बन गया अपना, एक्टिव वॉइस बन गया, डी आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, द कन्विक्ट वॉज फाउंड गिल्टी बाय द ज्यूरी,
कन्विक्ट, एक होता है एक्विट, एक होता है कन्विक्ट। एक्विट का मतलब है बाइज्जत बरी कर देना, कन्विक्ट का मतलब पकड़े जाना यानी कि दोषी करार कर देना। द कन्विक्ट वॉज फाउंड गिल्टी बाय द ज्यूरी, यानी कि बाय के साथ में द ज्यूरी आ रहा है, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस को हमको क्या करना है, एक्टिव वॉइस में करना है, यानी कि पैसिव है, पैसिव से बदलना है आपको एक्टिव में। तो द ज्यूरी कहाँ कहाँ पे स्टार्टिंग में आ रही है, यहाँ पे सब जगह द ज्यूरी आ रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द कन्विक्ट वॉज फाउंड, तो द कन्विक्ट तो बाद में आएगा, तो द कन्विक्ट कहाँ बाद में आ रहा है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे वॉज है, क्या है वॉज, तो वॉज का मतलब सेंटेंस है पास्ट के अंदर, तो ये प्रेजेंट का तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। फाउंड द कन्विक्ट गिल्टी, ये हो गया सही, ठीक है। आंसर क्या हो गया, सही है, एकदम परफेक्ट है ना, सी, बिल्कुल आपका भी सी है, मेरा भी सी है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये अभी जो डाउट था ना स्टूडेंट को, यानी कि आप जब भी अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो जितने भी कोर्सेज हैं, कितने जितने भी कोर्सेज हैं, अच्छा अब आप 3 मंथ्स का ले, 6 मंथ्स का ले, 1 मंथ का ले या 1 ईयर का ले, सारी चीज़ें आपको एक्सेस मिलेगी, यानी कि पास्ट के भी प्रेजेंट के भी। अच्छा, इसी के साथ में जो स्पेशल क्लास है, कल की तारीख में जो है हमने यहाँ पे टेंस पढ़े थे, क्या पढ़े थे, टेंस पढ़े थे। आज उसकी क्लासेस 1 बजे MCQ, यानी कि जो टेंस पे MCQ बनते हैं ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, टफ से टफ, सिंपल से सिंपल, तो वो यहाँ पे हम करने वाले हैं। एक तरह से आपका टेस्ट ही समझ लीजिए, कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं, कहाँ पे क्या सीन हो रहा है, आप कितने पानी में, वो सब देख लीजिए। तो ये क्या है, अन अकेडमी ऐप पर क्लास है, स्पेशल क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ ये याद रखना है कि जो न्यू स्टूडेंट है उसको क्या लगाना पड़ेगा, Surya5 कोड लगाना पड़ेगा, तभी वो क्लास ओपन होती है। तो ये स्पेशल क्लास है 1 बजे, यानी कि अभी कुछ आधे घंटे बाद ये आपकी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। इसमें क्या है, एक तो लाइव और इंटरैक्टिव सेशन है, कब 1 घंटा पता चलता है, पता ही नहीं पड़ता। पोल्स है, यानी कि आपको MCQ मिलेंगे, ABCD ऑप्शन है, फटाफट से आप आंसर दे सकते हैं, 15 सेकेंड का मैं टाइम देता हूँ, फटाफट आंसर दे के आप देख सकते हैं। लास्ट में लीडर बोर्ड भी शो होता है कि कौन आपके कौन से नंबर पे। हाँ, अभी स्केड्यूल सब दे दूंगा मैं, है ना, सारी की सारी स्केड्यूल दे दूंगा। रेज अ हैंड जो है यहाँ पे, आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। जब आप मुझे फॉलो करेंगे तो आप वहाँ अन अकेडमी पे, तो आपको क्या है, कोई भी मेरी क्लास जब आती होगी तब आप पता कर सकते हैं, तो जब आप फ्री होगे तो आप आराम से देख पाओगे। लेक्चर नोट्स अवेलेबल हैं सारे के सारे उसी के साथ में, इसकी जो क्लास की PDF है वो भी मैं जब घर जाऊंगा अभी तो डाल दूंगा, और किसी भी समय जो है आप किसी भी डिवाइस पे देख सकते हैं इन क्लासेस को, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं अपने स्केड्यूल के बारे में, है ना। मैं एक एक चीज़ ध्यान रखता हूँ, जो भी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा ना तो वो डाउट मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, और जो भी कोई डाउट नहीं भी क्लियर होता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे स्केड्यूल, कल ही जो है ना, कल ही एक छोटी सी एक और अनाउंसमेंट है, कल ही टेलीग्राम पे 3000 स्टूडेंट्स हो गए हैं, और वो 3000 के 3000 जो है जुडिशरी के, तो उसमें मैं कुछ और भी नई नई चीज़ें डालने वाला हूँ 7 जनवरी से, यानी कि 7 जनवरी से मैं वहाँ पे वर्ड्स, ऐसे राइटिंग के जो क्या कहते हैं, EDM एंड फ्रेजेस, जितनी भी चीज़ें होती है इंग्लिश के अंदर, मैं नई नई चीज़ें वहाँ पे डालने वाला हूँ, यहाँ तक कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के शॉर्ट्स भी डाल रहा हूँ, कि आपको सिर्फ परफेक्टली जज बना के ही छोड़ना है, यानी कि जो इंटरव्यू की जो कुछ कुछ चीज़ें होती है, टेक्टिक्स होते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा उसमें। देखो 5 जनवरी, यानी कि अभी ये YouTube की क्लास है, किसकी है ये, कल एक तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 2 है, कुछ जो टफ क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, वो सब क्या है कल पढ़ाऊंगा मैं, है ना। उसके बाद में यहाँ पे 6 जनवरी की जब बात करते हैं 11:30, ये किसकी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये मैं पता है क्यों करा रहा हूँ आपको, क्योंकि टेंस खत्म होते एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, ये आपके लिए ग्रुप बनाया है, लेकिन आपको ये बता दूं मैं कि कुछ ज़्यादा ही जल्दी 3000 हो गए, बहुत मुश्किल से होते लेकिन अपने बहुत ज़्यादा जल्दी हो गए हैं। ऐसे टॉपिक में जो है प्लस क्लासेस में होता है, चलता है अपना, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे स्पेशल क्लास का स्केड्यूल भी देख लो, 4 जनवरी जाके आज बजे 1 तारीख को क्या है, क्वेश्चंस ऑन टेंस है। 5 जनवरी को, यानी कि कल, क्वेश्चंस ऑन टेंस के साथ में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के भी क्वेश्चन है। अच्छा, 5 जैन को, 5
फिफ्थ जैन को मैं आपको बता दूं कि एक स्पेशल क्लास है यहां पे, ये क्वेश्चंस ऑन टेंस की जगह साथ ही 100 क्वेश्चंस है, 100 एमसीक्यू ऑन जुडिशरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं ना, 100 क्वेश्चन, तो 100 के 100 क्वेश्चन में एक ही क्लास में कराने वाला हूं। कौन सी तारीख को? 5 जनवरी को, ठीक है। चलो तो ये तो थी अपनी आज की क्लास। टेलीग्राम का आपको ग्रुप बता दिया है मैंने, तो आप आराम से उस पर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड, गॉड ब्लेस यू ऑल। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, एंड वेलकम टू द फैमिली ऑफ लिंकिंग लॉस। थैंक यू।